1951 में आज के दिन मिस्र में ब्रिटेन विरोधी प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए लगभग 6000 ब्रितानी सैनिक मिस्र पहुंचे थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ब्रितानी सेना को किसी और देश में भेजा गया था। ब्रितानी सैनिकों और मिस्र के पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़पें होने लगीं और 3 हफ्ते बाद ब्रिटेन ने मिस्र में रह रहे अपने हजारों नागरिकों को वहां से वापस बुला लिया था। 1952 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और 1953 में संवैधानिक राजशाही को खत्म कर दिया गया। 1954 में अरब राष्ट्रवादी नेता गमाल अब्दुल नासिर सत्ता में आए और उन्होंने 1956 में स्वेज नहर को राष्ट्रीयकृत करने की घोषणा कर दी। नासिर के इस फैसले से नाराज होकर ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद इन देशों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। 1953 में पाकिस्तान में नया संविधान लागू करके उसे आज ही के दिन इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। सबसे पहले 1930 में शायर अल्लामा इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया था। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान को मिलाकर एक नए राष्ट्र बनाने की बात कही थी। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पंजाब, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान शब्द का सृजन किया और यही शब्द आगे चलकर पाकिस्तान बना। 1947 से 1970 तक पाकिस्तान दो भागों, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा रहा। 1971 में भारत पाक के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान ही रह गया। 1965 में आज एक दिन मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का जन्म हुआ था। शाहरुख का बचपन से ही अभिनय की तरफ झुकाव था। कई थिएटर शो में वो उस जमाने के अभिनेताओं के अंदाज में अभिनय करते थे, जिसे काफी सराहा जाता था। शाहरुख ने शुरुआती दौर में सर्कस और फौजी जैसे धारावाहिक में काम किया और फिर पहली फिल्म के तौर पर दिल आशना है से करियर की शुरुआत की। इसके बाद 1992 में रिलीज हुई फिल्म दीवाना से किंग खान को अलग पहचान मिली। डर, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी हाँ कभी ना, करण अर्जुन, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, चक दे इंडिया, स्वदेश, माई नेम इज खान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की बेहतरीन फिल्में हैं। खान ने रोमांटिक से लेकर एक्शन थ्रिलर जैसी शैलियों में 75 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। शाहरुख खान को 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1982 में आज के दिन भारत के मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त का जन्म हुआ था। योगेश्वर दत्त ने 2012 ओलंपिक में कुश्ती की 60 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। 2014 में योगेश्वर दत्त ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ खेलों में 65 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल में भारत को स्वर्ण दिलाया था। योगेश्वर दत्त ब्राजील में आयोजित रियो ओलंपिक 2016 के लिए भारत की ओर से कुश्ती में पदक जीतने वाले प्रमुख दावेदार थे, लेकिन वो अपना पहला ही मुकाबला हारकर इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। योगेश्वर दत्त को 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से नवाजा जा चुका है। 1986 में आज एक दिन बेरूत में इस्लामी चरमपंथियों के जरिए बंधक बनाए गए एक अमेरिकी नागरिक डेविड जैकॉब्सन को रिहा कर दिया गया था। डेविड जैकॉब्सन को 17 महीनों तक कैद में रखने के बाद चरमपंथी गुट ने रिहा कर दिया। मई 1985 में जैकॉब्सन को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो अपने घर से अस्पताल जा रहे थे। उनकी रिहाई में कैंटबेरी के आर्च बिशप के विशेष दूत टेरी वेट ने अहम भूमिका निभाई थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता लैरी स्किप्स ने कहा कि लेबनान में दूसरे बंदियों की सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए वो इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। उस समय कम से कम 2 और अमेरिकी नागरिक, कई फ्रांसीसी नागरिक और एक ब्रितानी नागरिक जॉन मैकार्थी बेरूत में बंधक थे।